दोस्तों फैट लॉस का नॉन वेजिटेरियंस के लिए मैंने डाइट प्लान इस वीडियो के एंड में दिया है, लेकिन प्लान पे जाने से पहले तीन चार चीजें जो आपको मैं क्लियर कर दूं। एक तो जब भी आप फैट लॉस करते हैं तो सिर्फ कार्डियो या सिर्फ डाइटिंग करके नहीं करना है, उससे आप अपना मसल मास लूज कर जाएंगे। आपने वेट ट्रेनिंग को अपने वर्कआउट का हिस्सा बनाना ही है, वेट ट्रेनिंग जरूर करना है, साथ में कार्डियो करेंगे तो ये आपको बेटर रिजल्ट देगा। दूसरा, अपनी डाइट को हाई प्रोटीन डाइट रखें जैसे मैंने प्लान में दिया है, और हेल्दी फैट्स आपको इसमें रखना ही रखना है, जीरो फैट कभी नहीं करना आपने। कार्बोहाइड्रेट्स को अप डाउन करना होता है, उसकी क्वांटिटी को आप कम ज्यादा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट। ये मैंने एक 80-90 केजी के बॉडी वेट के लिए बनाया है जिसको वेट लूज करना है, फैट लॉस करना है। कम वेट वाले थोड़ा सा इसमें कम कर देंगे क्वांटिटी ऑफ डाइट, ज्यादा वेट वाले भी थोड़ा सा अपनी नीड के अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत कैलोरी बढ़ा सकते हैं इसमें। और तीसरा, कभी वीकली अगर एक ऑफ लेते हैं आप, सिर्फ एक आपकी छुट्टी होती है तो कोई बात नहीं, आप इसको एज इट इज फॉलो करें, लेकिन किसी वजह से आपका कुछ दिन का ब्रेक आ जाता है ट्रेनिंग में तो आप करीब करीब 500 कैलरीज इसमें से कट कर देंगे, ताकि आपका बॉडी वेट दोबारा गेन ना हो इस रेस्ट के पीरियड में, और आप दोबारा जब भी रेजिम अपना शुरू करें तो यहीं से आपका फैट लॉस का प्रोग्राम शुरू हो जाए। तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट आपको अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। मैंने प्री एंड पोस्ट वर्कआउट दो मील पे ज्यादा फोकस किया, जो आप वर्कआउट से पहले लेंगे और वर्कआउट के बाद जो मील लेंगे, इसी में मैक्सिमम आपका कार्बोहाइड्रेट है। बाकी जो तीन मील दी है वो आप उन मील्स को किसी भी टाइम ले सकते हैं, आप चाहे मॉर्निंग वर्कआउट करें या इवनिंग करें, प्री एंड पोस्ट वर्कआउट मील यही रहेगी, बाकी मील्स को आप जब मर्जी आप एंजॉय कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। और आप लोगों के इतने सारे मैसेज आए हैं, उनको एनालाइज भी किया मैंने, एक एवरेज वेट 80-90 किलो के आसपास का मैंने शेड्यूल दिया है, करीब 2000 केजी के आसपास। और वेजिटेरियंस के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कंप्लीट प्योर वेजिटेरियन प्लान, तो आप जुड़े रहें। थैंक यू।